को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण मैं प्रणाम करवाऊंगा आप मेरे साथ एक दो मिनट के लिए प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों केवल मुझे एक ही बार कहना चाहिए एकाग्र हो जाइए और आने का लाभ उठाइए। बिल्कुल एकाग्र मेरी देवियों मेरे सज्जनों तभी आप लाभ उठा पाएंगे। समय के अनुसार एक शुभ सूचना, जैसे आप सब जान गएंगे और सूचना पट भी आपको बतला रहे हैं साइन बोर्ड, ये पावन कार्तिक मास के अनुसार गीता धर्म के अनुसार ये पुण्य माने गए हैं। कौन से? बाकी दिनों की अपेक्षा इस महीने में जितना हो सके एकांतवास कीजिए और उसमें जाप कीजिए, जरूर मेरा कहना मानना, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप मेरे पर विश्वास करके ही तो आते हैं, तो विश्वास का मतलब ही यही होता है कि हम उबे करें, हम उनके उनका कहना माने। रिस्पेक्ट मीन्स टू उबे। अपना एकांतवास बढ़ा लो बच्चे और एकांत में जाप बढ़ा लीजिएगा। मैं लिखत नहीं कहूंगा, अपने मौखिक एक दूसरा, सारा दिन जितना हो सकता है आप अपनी वृत्ति मालिक में टिकाए रखो, बाकी जो जरूरी काम है कीजिए, लेकिन ये बड़ा भारी पुण्य हमारे यहां कहा गया सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान रखे। गीता जी में हमारे सरताज और मन के राजा भगवान जी ने अनेक बार हम लोगों को क्या कहूं आज्ञा दी और हमारी सिर आंखों पर, क्योंकि जहान में केवल भगवान ही चिंतन करने योग्य है, प्राणी पदार्थ नहीं, चूंकि ये चलायमान है परिवर्तनशील है और हमें तसल्ली नहीं देते, हमें आंतरिक सेटिस्फेक्शन इनसे नहीं होती। तीसरा कहूंगा, आप जहां तक हो सके इन दिनों कपड़े का अन्न का दान कीजिए, लेकिन मैं कहूंगा जो अधिकारी हैं उनको, यानी कि ये ब्राह्मण है गलत, ब्राह्मण सस्ते भाव बेच देते हैं, आपसे लेके ससियार तक के कफन भी बिक रहे हैं आजकल, इसलिए मैं कहूंगा वो अधिकारी देखो अधिकारी कौन है, या मेरे से पूछो अधिकारी कौन है, ताकि आपके धन में बरकत पड़ेगी और मालिक बड़े खुश होंगे। हमेशा प्यासे को पानी देने से पानी की कदर है, अधिकारी को कुछ दान देने से उसकी कदर है। जहां तक हो सके नकद ना दीजिए उनको, उनको वस्त्र दीजिए पाकर दीजिए, मेरे से इंक्वायरी कर लो उनको क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा इनको फलान चीज ले दो, जिसकी उनके पास कमी है और है नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जरूरियात की जिंदगी है, इस महीने में इतना कीजिए। मैं अपने हर भैया हर बच्चे को बेटी को कहूंगा इस एक महीने में अपना जेब भी खर्च बंद कर दो, कुर्बानी करो मेरी बेटी, मां बाप पर बोझ मत डालो कि और रुपया मिले, जो आपका जेब भी खर्च है बंद कर दो,
और वही खर्चा किसी अधिकारी के लिए कोई चीज दे दो, कितना अच्छा रहेगा मेरी बेटी। बड़े मेरे मालिक प्रसन्न होते हैं, बड़े मेरे मालिक। नंबर दो, और मैं आखिरी बात कह रहा हूं, इस सारे महीने में एक बार जरा समझ के गीता जी का पाठ कर लीजिए। पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक 18 दिन नहीं लगाने, आप पूरा महीना लगाइए समझ करके। अच्छा, हर दिन आधा अध्याय पढ़िए, पूरा अध्याय नहीं पढ़ना, समझ के, ताकि उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़े। इतनी कार्य, शुभ कार्य आपने इस पावन कार्तिक मास में कर लेने हैं। इससे मैं यकीन दिला रहा हूं आप सबको, आप ही का अंतःकरण मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, निर्मल हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण ही भगवान की योग्य है। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। मुझे पूर्ण आशा है जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है, वो इस विशेष महीने में ये विशेष विशेष पुण्य जरूर करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों। आवाज के प्रसंग को ले, आज मैं एक निराली बात आपको सुनाना चाहता हूं, जो गीता प्रेमियों ने, गीता रिसर्च स्कॉलर्स ने हमें बताई, चूंकि मैं रिसर्च करता रहता हूं अपने हिंदू धर्म की, और जो दैनिक जीवन में आपके काम आने वाली जरूरी जरूरी बातें हैं, हां, जिससे अंतःकरण भी निर्मल हो, जरूरी जरूरी बातें हो और अंतःकरण निर्मल हो, उनको एक शब्द में धर्म कहती है। अच्छा, जो हमारी भूख मिटाए उसको हम भोजन कहते हैं, या खाद्य पदार्थ कहते हैं, खाद्य इटेबल। अच्छा, स्त्री क्या करे हमारे अंतःकरण निर्मल हो, निर्मल करे, चाहे वो कोई बात हो या क्रिया हो, उसको हमारे हिंदू धर्म धर्म कहता। धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा की गई, बड़ी ब्रॉड माइंडेड होकर के महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी परिभाषा की है। कोई भी क्रिया जिससे आपका अंतःकरण निर्मल हो, दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन धर्म। अच्छा मेरी बेटी, अच्छा मेरे सजनों, तो एक घटना सुनाते हैं हमारे धार्मिक महापुरुष गीता जी के एक भगवान के फरमान को सामने रखकर। ध्यान देना मेरे बच्चे, आजकल दिन बहुत छोटे हैं, मैं केवल आधा घंटा शाम को बोल रहा हूं, अब लाभ उठाइएगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करके आया हूं, आपको शक्ति देंगे, आप जरूर अपनाएंगे। एक कोई व्यक्ति थे, उन्हें कोई विशेष बीमारी लग गई। महापुरुष कहती है, अच्छा, बड़ा इलाज कराया, जिसने जा कह दिया, धक्के खाने गया बेचारा, इधर जा उधर जा, हजारों रुपया उसने लगा दिया, और 3 साल हो गए उस बेचारे को धक्के खाते हुए। ना पिताजी को चिंता है, ना बेटे को चिंता है, ना बेचारी माँ को चिंता है। जा किसी ने रिकमेंड किया, चल दिए, चाहे कोई गांव में है चाहे दूर है, चले गए। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, बड़े बड़े हकीमों के पास डॉक्टर लगाया, वैद्यों के पास गए, बात बनी नहीं। बाकी मुझे बकवास करनी चाहिए, मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की, बेचारे की मर्ज, बेचारे का रोग मेरी देवियों मेरे सजनों बढ़ता ही गया। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? गांव की एक दादी, बूढ़ी अम्मा, जो के लाठी के सहारे हाय हाय करती हुई क्या जा रही थी, इधर से ये भी अपने बाप और मां के साथ गुजरा, आए आए कराता हुआ जाने लगा। माई आगे आगे थी, ये पीछे पीछे। अब माई रुक गई, गौर से देखा, आप इस गांव के तो नहीं है? नहीं माई, हम तो फला नगर के हैं। तो गांव में क्यों आए? फलाने बाबे का पता लगा है, उससे मिलने आए हैं। इससे हमारे काके को बीमारी है, 3 सालों से धक्के खा रहे हम। मेरा कहना मानोगे? मैं तो इसके करहाने को सुन के हैरान हो गई हूं। हां, यहां से कोई 300 मील के फासले पर एक बाबा रहता है, मेरा कहना मानो, और आप एक बार उसके पास चले जाओ। तुम आई,
मैंने आजमाया है और बाबा बड़े बुजुर्ग गए, एक बार हुआ और वो आपको एक पुड़ी देगा। मैं जहां जा रही हूं ये इसी लाइन में आखिरी जो घर है वो मेरा है, आके मुझे लानत मार देना अगर ये आपका बेटा ठीक ना हो तो। है हां, उसके शब्दों में बड़ा जोर था। मेरे भाइयों मेरी देवियों, बड़े अनुरोध पूर्वक उसने कहा, उन पे बड़ा प्रभाव पड़ा। वो जो इस गांव के बाबा के पास जा रहे थे वो खिलाड़ी छोड़ दिया। दो दिनों में पहुंच गए उस बाबा के पास, बड़ा रश, बैठे रहे एक और, रश कम हुआ, कोई भी ना रहा। अब बाबा के चरणों में तीनों गिर पड़े। बाबा हमारी ये बात है, हम बड़ी दूर से आए गए, भला हो उस माई का जिन्होंने आपका हमें पता दिया। मैं कोई दवाई नहीं देता तो हमने सुना है, अब आप आए हो, कहीं से चीनी मांग लाओ, खरीदो नहीं मांग लाओ, कौन भिखारी बनेगा। माने का मैं सारे गांव में भिक्षा मांगूंगी, कितनी चाहिए, इतनी चुटकी भर मैं ले आती हूं। मेरी देवियों मेरे सजनों, वो भिक्षा में गई और एक दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैं भिखारन नहीं हूं पर अपने पुत्र के इलाज के लिए भिक्षा मांग रही हूं, चुटकी भर चीनी दे दो। हाय, घर के सारे बाहर निकल आए। बाबा जी ने कहा है, अच्छा, अंदर भागी गई, चुटकी भर सजनों देवियों ले आई। उसने अपने पल्ले में के सिरे में रखा, बांधा, गांठ लगाई और भागी भागी गई। बाबा जी मैं मांग लाई हूं, बहुत अच्छा किया। उन्हें इनकार तो नहीं किया था, उन्होंने टूटे हुए दिल से बाबा जी बड़े उत्साह पूर्वक दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब बाबा ने एक कागज निकाला, बाबा के पास सिर्फ कागज पड़े होते थे खाली, वाह, कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी नहीं, कोई बूटी नहीं, खाली कागज रखे हुए है और चीनी उसमें इस कागज पे डाल दी। भैया डाल दी चूनी, उसने लपेटी अपनी पूरी बनाई और अभिमंत्रित किया, अर्थात भगवान के किसी मंत्र को पढ़ के फूका मार दिया। इसे बोलते अपनी भाषा में अभिमंत्रित करना, अभिमंत्रित, बेटी भूल नहीं जाना, अभिमंत्र शब्द तो मंत्र है, तो जिसको मंत्र पढ़ दिया हो तो सब क्या बोलेंगे, अभिमंत्रित। कौन है बीमार? बाबा मैं आपका बेटा बीमार हूं, मेरे सामने ले लो। खान थी सजनों देवियों ले ली गई। तीनों ने प्रणाम किया, बाबा हम कुछ भेंट दें जरूर। तीनों हैरानों के काम तो कुछ लाए ही नहीं, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है और हमने बकवास कर डाली। जरूर मुझे भेंट दीजिए। अब उन्होंने जेब जूब में हाथ डालने शुरू किए, क्या कह रहे हो, मुझे कोई रुपया पैसा या नकदी या कैश नहीं चाहिए। तो काका जो मैं कहूंगा करेगा, जरूर करूंगा, अपनी गर्ज के लिए करूंगा। सवेरे जब स्नान कर लेना ना, तीन बार पवित्र होकर कह दिया करो भगवान तेरा शुक्र, और ये जिंदगी भर करना है, ऐसा ही करूंगा, भूलना नहीं, यही मेरी फीस है। तीनों बड़े हैरान हो गए, हम भी करेंगे, वो तो आपका भला होगा, लेकिन ये बीमारी वाला काका जो रोगी है ये जरूर करेगा। चले गए, रोग की तो जड़ कट गई मेरे सज्जनों। बात देखने में छोटी सी लेकिन इस मंत्र ने बड़ा भारी असर कर डाला, बड़ा भारी असर किया।
ये दृष्टांत देकर हमारी गीता की रिसर्च करने वाले एकाग रहना मेरे देवी सज्जनों कहने लगे कि भगवान एक मामूली सी बात कही है लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। पांचवें अध्याय में भी कहा फिर इसे दोहराया है बारहवें अध्याय में, क्या कहा, सर्वभूत हिते ही रता, सबकी भलाई में कहां रहे, वही गए मेरा भक्त प्यारम। बात इतनी सी है। इस दृष्टांत के बाद तो मैंने भी आजमाने की पूरी कोशिश की और बिल्कुल मैंने सच्चाई से भरी हुई बात पाई। वैसे तो गीता की हर बात सच्चाई से भरी हुई है लेकिन महापुरुषों ने इस बात पर इतना जोर दिया, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, अब उन्होंने क्या कहा कि हमारी आजमाई जैसे उस माई की आजमाई बात थी, भेज दिया एक बाबा के पास और बिल्कुल ठीक हुआ। इसी तरह हमारे गीता प्रेमी, गीता रहस्यकार, गीता के रिसर्च स्कॉलर्स फरमाते हैं कि भगवान ने छोटी सी बात कही है, क्या, जितना हो सके सबका भला करते हुए चले जाओ। अब मैं बताता हूं जो महापुरुषों ने इस सर्वभूत इते रता, मूल शब्द इतनी है, सर्व भूत मैंने प्राणी, सर्व मैंने सब प्रकार के प्राणी, भूत जो प्राणी हो गए, सर्वभूत हिते उनके हित में लग जाओ अर्थात उनका भला करते रहो। अब जो उन्होंने व्याख्या खोली, सब तुम भगवान जो 84 लाख जुड़िए बनाई है उनके भला कितना कर सकते हैं, हम ये तो कर सकते हैं दिन सवेरे शाम दो बार कह दे सर्वे भवंतु सुखिना, ये तो हमारी भावना बड़ी अच्छी हो गई, गुड फीलिंग हो गई, उसका प्रभाव सारे संसार पर हमारे पर पड़ता है। पर बात इतनी नहीं है, ये तो खैर बहुत ही अच्छा है, सवेरे शाम हम शांति पाठ किया ही करते हैं, बात कुछ और है। जिनके साथ आपका संपर्क है, सवेरे से शाम तक बहुत थोड़ा संपर्क आपका होता है, संपर्क को अपनी आप इंग्लिश से बोलते हैं कंटेक्ट, जिनके साथ आपका कंटेक्ट है, मेरी बेटी जिनके साथ आपका उठना बैठना है, या मैं शब्द लगाऊं व्यवहार है, व्यवहार हमारा बहुत थोड़ों के साथ होता है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हाँ अपनी ओर से इसी समय कोशिश कीजिए कि मैं बौद्धिक रूप से, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, भलाई कहां से शुरू होती है, बुद्धि से, मैं बौद्धिक रूप से किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी के खिलाफ मैं बुरा इरादा करूंगा ही नहीं, बात मामूली से ये बाबे की तरह लेकिन बहुत कारगर है, वेरी वेरी फ्रूटफुल यूजफुल। आप आजमा लेना, जरूर आजमाना, मैं आजमाए बैठा हूं, आप जरूर आजमाना, और इसका परिणाम मैं अभी बताता हूं आपको कि आज के बाद मैं बुद्धि से किसी का बुरा निर्णय नहीं करूंगा, किसी के खिलाफ मैं बुरा निर्णय नहीं करूंगा, मैं किन को कह रहा हूं जो स्वतोगुणी है, मैं किन से संबोधित हूं जो अपना कल्याण चाहती है, मैं किन देवियों से संबोधित हूं जो कल्याण कामनी है, जिनमें प्रभु कृपा से दिन प्रतिदिन स्वतोगुण बढ़ता चला जा रहा है, मैं उनसे संबोधित हूं, मैं उन नेक जनता को एड्रेस कर रहा हूं, आपके लिए संभव है, ये मेरे प्रभु का संदेश उनके लिए संभव नहीं जो दुर्योधन और दुशासन की तरह रजोगुनी है, तमोगुनी है, ये केवल उनके लिए है जो सत्वगुणी युधिष्ठिर की तरह है। अच्छा, इसलिए आपके लिए पूरा संभव है कि आप बुद्धि से निर्णय कर ले कि मैंने किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं करना। जिनके साथ आपका संपर्क है मेरे सज्जनों, गलत न समझना, ये बात बड़े कमाल कीजिए है, चुटकी भर खांड की तरह कि मैंने बुद्धि से बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं सोचना। एक नंबर दो, नीचे उतरा मन, आज के बाद मैंने किसी के विरुद्ध बुरा विचार नहीं करना। मन का काम है संकल्प करना, विकल्प करना, विचार करना, योजना बनाना, स्कीम्स और प्लानिंग बनाना, ये डिपार्टमेंट मन का है, स्कीम्स एंड प्लानिंग यानी योजना बनाना, ये किसका काम है, ये मन का काम है। मैं किसी के विरुद्ध कोई प्लानिंग नहीं करूंगा,
मैं किसी के विरुद्ध कोई योजना नहीं बनाऊंगा। पक्का राधा? वाह वाह, हम कर सकते हैं, चूंकि हमारे में प्रभु कृपा से सतगुरु बढ़ता जा रहा है, आप सब प्रभु आश्रित है। कितना प्यारा शब्द है ये जो हमें व्यास जी ने दिया, प्रभु आश्रित, जो भगवान का सहारा लिए हुए अपना कल्याण करती चली जा रही है। प्रभु के टुकड़े कर दो, प्रभु जमा आश्रित, जो पूर्ण रूप भगवान के आश्रित है, भगवान के सहारे गए, उनका एक शब्द बन जाता है प्रभु आश्रित। प्रभु आश्रित ये कर सकती है, कभी ना मन में कह रहा नहीं, नहीं तो आती नहीं है, मैं भी आजमाया बैठा हूं, मेरे बापू ने भी आजमाया, आप भी आजमाइए, कि मन द्वारा मैं किसी के विरुद्ध नहीं रहूं। किसी का मतलब जिनके साथ आपका संपर्क है, मैं बार बार क्लियर करता जा रहा हूं, इनके साथ मेरी भगवत आपका उठना बैठना है, गुड। जिनके साथ आपका दैनिक व्यवहार है, गुड। मैं कोई विचार, कोई योजना, कोई स्कीम या प्लानिंग उनके विरुद्ध नहीं करूंगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, शाबाश मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बहुत अच्छे। बाहर निकल आओ, शरीर तन, पक्का इरादा, मैं किसी के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। नहीं 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 नहीं, जोरदार शब्दों में अपने मन को सिखा दीजिएगा। आगे नंबर चार, वाणी आई, अर्थात जबान, अर्थात हमारी बोलने वाली भाषा, ये मैं किसी के विरुद्ध कोई ऐसा कठोर शब्द नहीं बोलूंगा जो बिचारे का हृदय छलनी छलनी हो जाए। थोड़ी सी इसमें कठिनाई होगी, फल बहुत अच्छा मिलेगा, है कठिनाई जरूर। मैं किसी को नोइंगली डेलिबरेटली दुखाने वाली बात नहीं कहूंगी, सिताने वाली बात नहीं कहूंगी, ना सियाने कहेगी नहीं, जबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तलवार का जख्म तो महीने में मिल जाता है, पर जबान का जख्म सारी उम्र में नहीं मिलता। जब जब किसी के कठोर शब्द को याद करते हैं तो रो पड़ता है। अच्छा, आपने ये पक्का इरादा करना है कि आज के बाद मैंने वाणी से किसी को जख्मी नहीं करना, ना ना ना, मैंने वाणी से किसी के मन नहीं दुखाना। बौद्धिक रूप से हाँ बाबा, मानसिक रूप से जी, शारीरिक रूप से वाह, और वाचिक रूप से, इसे बोलते हैं वाचिक, एडजेक्टिव बन जाएगा इसका, विशेषण बन जाएगा, शब्द तो वाक है तो एडजेक्टिव बन जाता है, वाचिक, वाचिक रूप से मैं किसी के विरुद्ध नहीं होंगी। तो मां पुरुषों ने जान देना ना, आप, मैं तो आपके लिए बैठा हुआ हूं, आप सब जानते हैं मैं कहीं आता नहीं जाता नहीं, किसी का निमंत्रण नहीं स्वीकार करता, केवल आपके लिए बैठा हूं। आप खुद देख लेना, जो मैं आपको परिणाम बताने जा रहा हूं आप खुद देखना इसके बाद क्या होगा, बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्भर होने लग जाएगा, कैसी भगवान की दिव्य शक्ति मिलने लग जाती है। जरूर आजमाना आपको, मेरी कसम और इस व्यास गद्दी की कसम, आप इस बात को आजमाइए। मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूं और महाराज जी की हाजिरी में हूं, परमपिता महर्षि वेद व्यास जी की हाजिरी में बैठा हूं। आप बौद्धिक मानसिक शारीरिक और वाचिक रूप में, हम पूरा नहीं करते, जिनके साथ हमारा मेल मिलाप है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, हम बिल्कुल बुरा नहीं करेंगे, भगवान की दिव्य शक्ति उतरने लग जाती है। कितने दिनों में ये मैं नहीं कह सकता, मेरे पर तो कृपा होने लग गई थी कुछ 6 महीने, अब आप पर कितनी अपने अपने संस्कार है, निश्चित रूप में इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं तो घड़ियों दिन गिनता रहा कि कब कृपा उतरती है। मुझे तो 6 महीने कुछ दिन लग गए, हो सकता है आपको कुछ ज्यादा भी लगे, कम भी लगे, ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों पर निर्भर करता है, इसलिए कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैं आपने तो बता सकता हूं आपको जितना समय मुझे लगा, आप पर हो सकता है कम लगे ज्यादा लगे, पर यह मैं जरूर कह सकता हूं बड़ी जल्दी कृपा उतरती है। देखो मैं भरी जनता में कहने की जरूरत कर रहा हूं तो किसी आधार पर कर रहा हूं ना,
तो महाराज जी की दिव्य कृपा आती है, जो किसी के विरुद्ध ही नहीं, जिनके साथ संपर्क है हमारा। और सवेरे शाम शांति पाठ तो आप करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, और दाता आप द्वारा बनाए गए सारे जीव सुखी रहे, सबका रोशन हो चरागे जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ, ऐले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तला है दर्दो गम कोई ना हो, तेरा महरूम करम कोई ना, इतना ना कह सके, सर्वे भवन्तु सुखिना। प्रभु सारे प्राणी जिनको आपने बनाया है सुख से दिन काट ले, सिर्फ अपनी आपने फीलिंग फैला देनी है सारे कुरा हवा में, सारे वातावरण में, मेरी देवी आप ये भावों तो फैलाते रहते, मैंने आपका स्वभाव बना दिया, लेकिन विशेषकर ये कि मैं बौद्धिक मानसिक शारीरिक और वाचिक रूप में किसी का के विरोध नहीं करूंगा, ना मैं विरोध इरादा करूंगा, ना किसी के विरोध कोई विचार करूंगा, ना विरोध कोई क्रिया करूंगा, ना ही विरोध कोई वाणी से शब्द कठोर निकालूंगा, मैं कर्कश नहीं बनूंगा, कर्कश ना, मैं मधुरभाषी बनूंगा, मधुरभाषी अर्थात शीरी कलामी से काम लूंगा। तो लो भगवान की दिव्य शक्ति, आपका अंतकरण भगवान की दिव्य शक्ति के योग्य बन जाता। जैसे मेरी बच्चियां दो दो बार फेल होकर लगती है, मेरे जैसे पूछ लेता है भी अब भी पढ़ेगी, हाँ जी मैं तीसरी बार तैयारी कर रही हूं, क्यों, फिर मैं क्या करूं घर के भांडे मांजू, फिर मैं क्या करूं घर में धक्के खाती रहूं, ना मैं तो कमाया करूंगा। आजकल ये आम आपके मनों में आ गया है कि मैंने तो कमाना है, मैंने तो पैरों पर खड़ा होना है, तो आप कितनी कुर्बानी करती हैं, फेल हो के भी आप ट्यूशन रखती हैं, रात को कम सोती हैं, कितनी कुर्बानी, आपको सर्विस नहीं मिल रही, आपने कितनी कुर्बानी की, बोल दूं मैं जबान से, बाबा बोल दे, मां जी के जेवर मेरे बेटे ने गिरवी रखवाए और वहां से कोई 15,000 रुपया मिला और वो रिश्वत दी, भगवान की नजरों में है सब कुछ, तब नौकरी मिली, हाय, सबसे पहले इसने वो 15,000 रुपया उतारने की, जो सर्विस मिलते, एक कह रहे हैं मैंने पैसा भी खर्च नहीं किया, मुझे सबसे पहले उन्होंने 4,600 रुपया दिया, 4,600 रुपया हर महीने डाक के मैंने उसके रजिस्टर पर जमा करवा दिया और थोड़े दिनों में मैं उतार दिया रुपया उसके सारा, मां के गहने लिया के रो के मां को लिपट गया और मां तेरे गहने, वो मेरे पुत्र कितनी कुर्बानी कर कर करके आपने ये सारा काम किया, क्यों, आपको ये पता है कि इसके बिना चारा नहीं, कितनी आप कुर्बानी करती हैं पढ़ाई के लिए, हां नौकरी के लिए, हां शादी के लिए, एक शादी नहीं होती थी, मैं क्या बातें सुनाऊं, लेकिन चाहता था लड़की को, बड़ी भारी कुर्बानी की, एक दिन बाप ने देख लिया कैंपस में मिल रही है, बाप उठ के अपने रात को आया, गली में खड़े हुए थे रात की कोई लगभग 12:30-1 बजे, तो बाप को अचानक पेशाब आया, कि भगवान किसी को छिपने देते नहीं ना, खासकर खून के रिश्ते को जरूर बताते, तो देखा बैठक खुली हुई है, लड़की बाहर है, देख ले कोई बात नहीं, बच्चे भागने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं ना, अब खड़े रहो, लड़के ने कहा मैंने जरूरत की, मैं खड़ा रह गया, मेरे बेटे तू मेरी बेटी को चाहता है ना, जी, दिलो जान से, हां, ले मैं तेरे सिर पे हाथ रखता हूं, शायद वो भाई बैठे होंगे, मुझे तेरी कसम, तुम पढ़ लो, लड़की मेरी बी है, तुम ही बी में हो, कमाने काबल हो जाओ, तू मेरा जवाई और मैं तेरा ससुर, हाय, लेकिन आज के बाद कहीं भी एकांत में ना मिलो, ना इसको बर्बाद कर रहा, बर्बाद हो बाद में जो मर्जी कर लेना, पहले कमाने काबिल हो जाओ, प्यार करिए तो बेटे रुपया भी काफी चाहिए, पिताजी आज के बाद में जो आपने मुझे जवाई कह दिया, मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगी, जब मुझे 10 बार ये फोन कर ले, नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगा मैं, बाद में शादी वही हुई, कितनी भारी कुर्बानी है मेरे बच्चे ने कहा मैंने की, मैं दिन रात लग गया, मैं कमजोर था, मैं धना बन गया, मैं कभी नहीं मिला उसको, जब मैं कमाने काबल हुआ तो मैं दफ्तर में गया उनके, पिताजी ठीक है बच्चे, मैं अपने वादे का पक्का हूं, मैं कर दूंगा, मैं कह रहा हूं कितनी कुर्बानी होती है इस संसारी चीजों के लिए, हम तो कल्याण कामी है,
हमारे मन में बगावत होती है, खा लिया पी लिया बच्चे बना के मर गया, अंदर से पता नहीं क्या होता है हमारे अंदर, इसे बोलते हैं अंदर से क्रांति होती है, इनकलाब आता है, रेवोल्यूशन होती है। क्या नहीं हमको, क्या आप सब रोशन जमीर है, सारी मेरी बेचिया गुड कॉन्शियस है, इसी हमारी कॉन्शियस हमें प्रिक करती है, दिस इज नो लाइफ एट ऑल, ईट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मीटिंग बस दैट इज ऑल, यही हवान कर रहे हैं, यही हमने किया, तो क्या फर्क रहा है हवान और इंसान में? बिल्कुल ठीक है बाबा। तो हम तो कुछ आगे निकल जाना चाहते हैं, तो जो आगे इससे आगे निकलना चाहती है उनको गीता कृष्ण कहते हैं कल्याणकामी जीव, नहीं तो बाकी सारे जो इसी में रह जाना खाना पीना भोगना उसको बोलते हैं काम कामी जीव, कामना पूरी करके मरना चाहती है, पर उन मूर्खों को पता नहीं कि कामना कभी पूरी नहीं होती, कामना फिर खड़ी हो जाएंगी और पूरी करो तृप्ति नहीं होगी, नहीं नहीं कामना, नहीं नहीं कामना, नहीं भी कामना, और कामना लेकर मर जाएंगी, फिर जन्म तैयार। आप अपना कल्याण चाहती हैं, हाँ कुर्बानी करनी पड़ेगी आपको, इतनी कुर्बानी भगवान कह रहेंगे, जिनके साथ आपका संपर्क है उनको बौद्धिक मानसिक शारीरिक वाचिक रूप में खुश करते रहो, यथासंभव ट्राई योर बेस्ट, भगवान की शक्ति लेकर ट्राई योर बेस्ट, से जैसे बाबा जी ने बताया था, स्नान किया और भगवान से कहा प्रभु मेरे मालिक एक तेरा सहारा, प्रभु जी जैसे उन्होंने तीन बार कहा था भगवान को, कहा मेरे भगवान आपकी दया, मेरे भगवान आपका शुक्र, मेरे जैसा कहेगा ये सिद्धांत है, ये सिर्फ बोल बोल नहीं है बल्कि ये सिद्धांत बेटी, ये भगवान का असूल है, आप अजमा कर देख लो, इसमें कुछ नहीं खर्च होता, सिर्फ आपको अपना संपर्क सावधानी पूर्वक करना होता है, सावधानी पूर्वक विद वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी केयर, कि ऐसा ना मुझसे कुछ भूल हो जाए, उल्टे तो वो बोलेंगे, कभी आपका पक्का दोस्त कुछ कह देता, सगी मां कुछ कह देती है, सगी मां, वैसे मैं परिवार में सुन के आया खसमा खा रही हूं, कोई बात नहीं मां है ना, कोई और भी शब्द कह सकती है मां कठोर, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अपनी मां है ना, हमारा शरीर का, ये तो मां का शरीर, ऐसा ऐसा पक्का करो ना, ये तो मां का शरीर है, मां का हाड़ मांस चाम खून, ये मेरी मां का है, मां मुझे मरोड़ के टुकड़े करके रख दे उसको पूरा अधिकार है, ऐसी भावना बना लो अपने मन के अंदर, ये तो मेरे पिता जी को कह दो ये पिता का शरीर है, विषय का रगड़ के रख दे, या प्यार करे तकरार करे उनको पूरा अधिकार है, शाबाश, या कोई बहन के देती है भाई के, तो कोई बात नहीं, हम एक ही पेड़ से पैदा हुए हैं, जो इनकी मर्जी मुझे कह दे, भगवान आपको फिर सैनिक की ताकत भी देगा, ये मैंने देखा, जब कोई पक्का राजा कर लेता कि मैंने बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप में हर एक को खुश रखना है, तो भगवान अपनी ओर से सहनशीलता दे देती है, बड़ा भारी गुण है मेरे सगुनो, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलोरेंस, पावर ऑफ टॉलोरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, यानी सहनशीलता, ये नहीं शक्ति है जो भगवान अपने किसी अधिकारी को देते हैं, हर एक को नहीं मिल सकती, आप में सत्व गुण है ना, तो भगवान की विशेष नजर आपकी तरफ है, अगर विशेष नजर न होती तो हमें ये वातावरण मिलता, इतना डेंगी वातावरण जिसे नॉट एन ऑर्डिनरी एटमोसफियर, दिस इज डिवाइन एटमोसफियर, ये भगवान ने हमें जो डिवाइन एटमोसफेयर दिया है अपनी विशेष कृपा से, तो आप वो ये भी कृपा कर देंगे कि हमारे जो हमारे संपर्क में आए उनको खुश रखे, उनको पसंद रखे, लो भगवान की देवी कृपा आप पर उतर आएगी, आजमाओ मेरे सज्जनों, आप मेरे पास, मैं आपके पास, जो केवल आज के दिन आते हैं उनको बाकी सदन नहीं मिलता आने का, कोई बात नहीं, इतनी बात तो पक्की करो कि मैं बौद्धिक मानसिक शारीरिक और वाचिक रूप में किसी को दुख नहीं दूंगा, मानसिक रूप में कभी नहीं दुख दूंगा, जानता हुआ समझता हुआ मैं दुख नहीं दूंगा, अनजाने में दुख पाए तो उसके कह दिन मैं मन करके नहीं दुख दिया आपको, आप अपनी मिजाज करके दुख पा रहे, पर मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपको दुख दू, शाबाश, भगवान तो भावना के भूखे है ना, लो अपना कल्याण कर जाओ, इतनी सी बात, सर्वभूत इते रता, इतनी सी बात लेकर बेटी, इतनी सी बात लेकर, अगर आप मेरे भगवान का कहना माने, जैसे आप भगवान
आपके अपने मन में बड़ा आदर है, भगवान का बड़ा सत्कार है। यही हर महापुरुष ने अनुभव करके बताया, खासकर ग्रंथ साहब के अंदर। और ग्रंथ साहब के अंदर जब गुरुद्वारे में दाखिल होती है और छोड़ती है, ये ध्वनि एक नहीं अनेक बार निकलती, पर कोई परवाह नहीं कर रहा। बोलने को जैसा टेप रिकॉर्डर बोलता है, ये बोल जाते हैं। वरना हर गुरु ने जो मेरे भगवान ने सिद्धांत बनाया, यही नहीं कहा नानक नाम चढ़ दी काला, तेरे भाने सर्वत्र भला। भले वो अपने गुरु के बोल के आप ही बेकदरी कर रहे हैं, लेकिन जिसको वो गुरु कहती है और अपना भगवान भी कहती है कि ये अवतार था, क्या उसकी कदर कर रही हूं? कि तेरी भानी सर्वदा भला, अनुभवी मालिक का दर्शन करके यू बोल रहा है कि दाता मेरी फीलिंग है कि तेरे प्राणियों का भला हो। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ये इतनी सी बात आप मान लो। और उधर देखिए, आप कभी भी गए होंगे चर्च में, चर्च में जब वो प्रेयर कर लेती है, मैं बताऊं एक बार क्या बोलती है, मे पीस बी ऑन टू ऑल, मे पीस बी ऑन टू ऑल। अर्थ हुई हे परमात्मा सबके मन में अमन रहे, चमन रहे, मे पीस बी ऑन टू ऑल। हर अनुभव यही कहेगा, क्योंकि मालिक प्रेरणा सी देती है। पर मुझे आप पे नाज है, आपको अगर मेरे पे नाज है तो कई गुना मुझे आप पे नाज है, मुझे आपके गौरव है। आप इतनी सी बात दैनिक जीवन में उतार लो बेटे, इतनी सी बात मेरी दीदियों अवतार लो मेरे भगवान की। जो बारहवें अध्याय में फरमा रहे हैं सर्वभूत ही तेरे था, पांचवें अध्याय में कह रहे हैं सर्वभूत, एक ही बोल को दो बार कहा मेरे भगवान ने, सर्वभूत ही तेरे था कि जो मेरे प्राणियों के साथ भला करता रहेगा, खुश करता रहेगा, वो मेरे दर्शनों के योग, कल्याण के योग और सदा रहने वाली खुशी के योग हो जाएगा। आजमा के देखो ना, आप आजमाइए ना इस तरह। आप जिंदगी में पता नहीं कितनी बातें आजमाइए, शारीरिक रूप में आजमाई, मानसिक रूप में आजमाई, कहीं वो कहीं आपके पास आती है। गोपाल एक बार मेरे साथ दोस्ती लगा के मुझे आजमा दे। अच्छा वाह वह कई बार आती है। नीमनोरमा एक मिसाल मेरी भी सहेली बन के देख ले। अच्छा ये बात कई इस तरह कहती है। अब कर रिजल्ट निकालती है बाजारों में और ये वो कितनी जोर जोर के बोलती जाती है। हमारा ये रिजल्ट निकला, एक बार अपने बच्चों को हमारे स्कूल में डाल के देख लो, आपका बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं भी अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, एक बार मेरे भगवान के बोलों को भी आजमा के देख लो, एक बार तो आजमा के देख लो, एक बार आप जिंदगी भर अपनाते रहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। अगर ऐरा गहरा आप कहना मान लेते हैं, एक बार तो आजमा लो भाई, एक बार दोस्ती लगा लो, एक बार हमारे दफ्तर में आ जाओ, एक बार अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डाल दो, एक बार सहेली मेरी बन के देख ले, ये आजकल के लोफर लड़के, एक बार तो मेरे साथ जारी लगा ले मनोरमा, एक सरदार तुम इस मुझे प्यार कर ले, एक बात तो कर मुझे। वो गंदे बंदे लगते हैं, क्या मुझे हक नहीं ये कहने का जबकि आप कल्याणकारी जीव है। एक बार मेरे भगवान की अनमोल बोल की कदर तो करके देखो, सर्वभूत हिते रहता, आपका हितैषी भगवान के बाद मेरा ही नाम आता है आपके लिए, वो परम हितैषी, उसके बाद मेरा नाम आएगा हितैषी में, जो भगवान के प्यारों का मन वचन कर्म से हित चाह चाह के और हित के तरीके गीता के बता बता के चला गया। वो भगवान परम हितैषी और मैं आपका हितैषी, हित चाहता हूं मन वचन कर्म से, मेरा कहना मान लो। जितनी बात आज मैंने कही है इसको जीवन में ढक, बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण देखो। कि मैं बकवास कर रहा हूं तो आप खुद देख लेना, मैं कहीं जा तो नहीं रहा, मैं को मैं हाथ की बात कर रहा हूं आप आजमा के देख लो। वाह, और मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं, आप खुद करके देखो ना, खुद आजमा लीजिएगा, शाबाश, आप गदगद हो जाएंगे। इतनी कृपा कलयुग में भगवान जी कर देते हैं। मुझे बड़ा शौक है गीता जी की हर बात को आजमाने का, ये भगवान ने विशेष शौक मेरे में पैदा कर दिया। आप ये शौक पैदा करो,
कि भगवान ये कहे सर्वभूति तीरता, मैं इसी घड़ी अपने में लाने की चेष्टा करूंगा, इसी वक्त मैं अपने में अपनाने की चेष्टा करूंगा। हर एक के साथ थोड़ा, जिनके साथ आपका संपर्क है, जिनके साथ आपका डेली रूटीन है, केवल दोज लक्की सोल्स, मैं उनको लक्की कहूंगा। आप जैसे नेक जीवों के साथ जिनका संपर्क है, दोज आर वेरी लक्की नो डाउट, बड़े खुशनसीब है मेरी बेटी, वो बड़े भाग्यशाली है जिनके साथ मेरी बेटी, इन बेटियों का संपर्क है। आज पक्का कर लो, बौद्धिक मानसिक शारीरिक और वाचिक रूप में मैं सबका भला करती रहूंगी, सबको खुश करूंगी, मैं किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगी। लो पक्का राधा किया, मेरे भगवान देख कितने खुश होते हैं। मुझे पूरी आशा है आप जरूर उठा लेंगे, जरूर पूरी आशा है। कितने अच्छे बोल है मेरे प्रभु के, इसको अपने जीवन में ढालो। आहा आहा आहा, आइए जरा मेरे साथ भगवान के शुक्र मनाते हुए। कितने अच्छे बोल मेरे भगवान के जो मैंने आपको सिद्धांत रूप में बताए, आप भी ऐसा मार के देखना, हाय कैसे एहसान उतारेंगे। भगवान तो कहते जो अपना लेता है वो गीता का एहसान उतार लेता, उसमें कोई गीता का भगवान का कर्जा नहीं चलता, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और मेरे अनुभव के साथ अपना भी अनुभव मिलाइए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, ये प्रभु उपदेश मिला है हमें कर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें कर जाने के लिए। गीता हमें मिली, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। जय हो जय हो। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें कर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रेम से सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें कर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम जी जी। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने, बहुत अच्छे प्रभु, बहुत अच्छे मालिक। मन में बिठा लो, मैं आपका धर्म पूरा समझू मेरे बेटे। बुजुर्गो भाइयों, मतो बेटियों, अपने मन में हमेशा के लिए बिठा लो, गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला गए हमें तर जाने के। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
मन धन सब कुछ गए तेरा, सब कुछ गए तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला ये मेरा। हरिओम जय जगदीश, हरे जय जगदीश, हरे भद्रान पश्यंतु माता बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभो। इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप करना। इसलिए हार्दिक धन्यवाद।